पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद कई इलाकों में हिंसा की खबरें आई हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ गुरुवार यानी आज उस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। वह कूच बिहार जिले जाएंगे, जहां 10 अप्रैल को मतदान के दौरान शीतलकुची में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा गोलीबारी में 4 ग्रामीण मारे गए थे। राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट कर कहा है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर 13 मई को सुबह 11 बजे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से कूच बिहार पहुंचेंगे, जो चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में से एक है। वहीं राज्यपाल माथाभांगा, शीतलकुची, सिताई और दिनहाट का दौरा करेंगे। राज्यपाल वीसी सट्टी सर्किट हाउस में लोगों और मीडिया से मिलेंगे। वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा है कि शुक्रवार को वह असम जाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने दावा किया है कि 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भड़की हिंसा से बचाव के लिए उत्तर बंगाल में लोगों ने शरण ली है। वहीं ट्वीट में कहा गया है कि राज्यपाल धनखड़ असम में रानपाली और श्रीरामपुर शिविरों का दौरा करेंगे, जहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण बंगाल के लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धनखड़ पर मापदंडों का उल्लंघन करने और कूच बिहार जाने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उससे नियमों और प्रावधानों का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि आप 13 मई को कूच बिहार जा रहे हैं। दुखद मैं इसके कई दशकों में विकसित और लंबे समय से चले आ रहे मापदंडों का उल्लंघन पाती हूं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे जैसा कि ऊपर कहा गया है और क्षेत्र के दौरों से संबंध में अचानक लिए गए फैसलों से बचेंगे। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो राज्यपाल धनखड़ से काफ़ी भड़की हुई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।